रोहतक की सुनायरा जेल में बंद राम रहीम की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। राम रहीम से मिलने के लिए अगर सुप्रीडेंट भी जाएं तो उन्हें भी सुरक्षा दायरे से होकर गुजरना होगा। इसके अलावा अमाला में बंद हनीप्रीत ने भी कोर्ट में गुहार लगाई है कि वह टेलीफोन पर अपने परिजनों से बात करना चाहती है, लेकिन उसे फोन पर बात नहीं करने दी जाती। इस पूरे मामले को लेकर आज हमने हरियाणा के जेल मंत्री कृष्णलाल पवार से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए हमारे साथ। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि जेल में बंद बाबा के पास कोई भी बिना चेकिंग के नहीं जा सकता, भले ही वो जेल के सुप्रीडेंट क्यों ना हो। इसको लेकर हरियाणा के जेल मंत्री कृष्णलाल पवार का कहना है कि मामला न्यायालय में है और जेल में बंद बंदी की सुरक्षा करना जेल विभाग की जिम्मेदारी है। सुरक्षा की दृष्टि से हम जेल में पूरी तैयारी रखते हैं। जेल मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा कि कोई भी अंदर जाए, चाहे वो मंत्री हो या जेल अधीक्षक, यदि किसी पर शक होता है कि उसके पास कोई अवैध चीज है तो बाकायदा चेकिंग करके ही उसे अंदर जाने दिया जाता है। फिलहाल ये सब एक ड्यूटी का पार्ट है। जेल में कोई भी व्यक्ति अंदर जाता है तो उसे पूर्ण रूप से चेक किया जाता है, क्योंकि ये मामला सब ज्यूडिस है और सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी बंदी है उसकी सुरक्षा रखना जेल विभाग की हमारी जिम्मेवारी है। तो सुरक्षा की दृष्टि से हम निश्चित तौर पर हम रखते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी अंदर जाए, चाहे मैं मंत्री हूँ चाहे मेरा सुप्रीडेंट है, कोई भी किसी पर शक होता है कि इलीगल इसके पास कोई चीज है तो किसी की भी चेकिंग करके अंदर जाने दिया जा सकता है। तो इसलिए ये ड्यूटी का पार्ट है, कोई भी व्यक्ति कोई भी अंदर अवैध चीज लेकर जेल के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। अम्बाला जेल में बंद हनीप्रीत के द्वारा भी पंचकुला कोर्ट में अर्जी लगाई गई है कि उसे रोजाना फोन पर बात करने दी जाए, जिसको लेकर हरियाणा के जेल मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा कि हनीप्रीत ने परिवार के जिन लोगों के नाम जेल प्रशासन को दिए थे उनसे उन्हें शुरू से ही मिलने दिया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट में फोन पर बात करने की अर्जी लगाई है, जिस पर कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी। हनीप्रीत अम्बाला जेल में बंद है, उसको परिवार के लोगों को मिलने शुरू से ही अनुमति, जिन लोगों को उन्होंने नाम दे रखे हैं प्रॉपर मिल रही है, उन्होंने केवल टेलीफोन के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है और कोर्ट ने डिसीजन देना है।